जब भरत जी राम को मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो भरत जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े प्रबंधक थे, महाप्रबंधक। तो जहां राम ने रात गुजारी थी वहीं पर पहली रात भरत जी रुकते थे। और निषाद राज राम को मिले थे तो निषाद राज भरत को मिलते। और सभी लोगों ने जहां तहां अपना डेरा डाल दिया, क्योंकि साथ में चतुरंगिणी सेना भी थी, तीनों माताएं भी थी, भरत शत्रुघ्न भी थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, और अवधवासी भी कुछ लोग आए थे, खास खास जिनके मन में ज्यादा दर्शन की इच्छा थी भगवान के प्रति। बहुत बड़ा मेला था तो सबने बिस्तर लगाया अपना अपना। तो भरत ने स्वयं जाकर के सबके बिस्तर चेक किया, कौन कहां सोया है, कौन नाश्ता किया कि नहीं किया है। निषाद राज ने सबके नाश्ता का प्रबंध किया, सबके भोजन की व्यवस्था किया। उत्तराखंड के कलेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं देहरादून में, कह रहे थे हम 40 कलेक्टर हैं, आगरा कानपुर होकर निकलेंगे, तो आप अपने भक्तों से हमारे नाश्ता का प्रबंध अगर करा देंगे। मैं तो आपका भक्त हूँ, एक कलेक्टर, लेकिन ये 39 से भी भक्त हो जाएंगे। तो जब 40 जिलों में हम कलेक्टर बनेंगे जाकर 40 लोग, तो आपका गुणगान करेंगे और कबीर की साखी बोलेंगे, तो अपना प्रचार बढ़ेगा। बहुत प्यारा आदमी है। देहरादून से फ्लाइट के द्वारा मिलने के लिए बड़ोदरा आए थे, भीड़ ज्यादा थी, थोड़ा मिल पाए फिर चले गए, फिर फोन नहीं पाते। हमने कहा जिस स्टेशन पर आपको नाश्ता करना है बता देना, हम अपने भक्तों को बता देंगे, व्यवस्था हो जाएगी। 40 लोगों में क्या 40 पैकेट बना। बोले श्रद्धा जुड़ जाएगी गुरुदेव, ऐसे तो हमारे पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि आपके साथ ये सभी कलेक्टर जुड़ जाए तो ठीक है। किसी को जोड़ने के लिए खिलाना भी पड़ता है, प्रेम से बोलना पड़ता है, उसका सेटिंग करना पड़ता है। जहां तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधो सब ही कर लीन्हा। गाइए। जहां तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधो सब ही कर लीन्हा। भरत ने सबका ख्याल किया है, सबका हाल लिया जाकर कि सबका बिस्तर लग गया कि नहीं लगा, कोई भूखा तो नहीं है। और जो सबका ख्याल करता है वही व्यक्ति महान बन सकता है। जो केवल अपना ख्याल करता है और दूसरों के प्रति लापरवाही करता है, वो व्यक्ति चाहे जितना पढ़ा लिखा हो लेकिन वो कभी महान नहीं बन सकता है, और उसको किसी भी दिल से सम्मान नहीं मिल सकता है, और किसी के हृदय में उसका स्थान नहीं हो सकता है, और उसको लोग याद नहीं करेंगे, उसको बहुत जल्दी भुला देंगे। इसलिए याद रखना, भरत से भी सीखो, अपने घर में सबका बिस्तर भी चेक कर लो कि सबको बिस्तर मिला कि नहीं, ओढ़ने का है कि नहीं। हमारे जितने साधु रहते सबका चेकिंग होता है, और चेकिंग के लिए भी दो आदमी और लगा रखा, उसके ऊपर मैं खुद चेक करता हूँ। दो आदमी लगा रहता है, किसी को बिस्तर मिलना चाहिए, कोई भगत आया है रात रहना उसका भी इंतजाम करो खाने पीने का। हमारा जो भंडारा बनता है, संत बनाते हैं, ब्रह्मचारी अलग बनाते हैं, लेकिन उसमें 10-20 लोगों का ज्यादा हम बना लेते हैं, ताकि कोई भक्त आ गया तो उसको भी गुरु जी का प्रसाद थोड़ा खाने को दिया जा सके। अब तुमने बिल्कुल 25 संत 25 भर का बनाया और दो भगत आ गया, कहते हो खत्म हो गया। अरे ऐसी बात क्या कर रहे हो, 40 का बना लो, 50 का बना लो। तो हमारे संत लोग कभी कभी 100 का भी बना देते हैं, कभी 150 लोगों को बना देते। मैं बेलता जितना बर्तन में जगह फुल बना दो, बात खत्म, सबको खिला दो। और कभी कभी फुल बनाया 150 का, वो भी खत्म हो गया तो फिर बना दो, फिर से चढ़ा दो,
हमें सोचना भी नहीं मिलती, चढ़ गया भोजन फिर बन गया, और फिर खत्म हो जाए तो फिर बना पड़ा, और फिर बना के तुम फिर खा लो, और क्या करना है जीवन में? कोई आकाश में थोड़े वहां ऊपर चले जाना है, जीवन में यही व्यवहार है, यही प्रेम है, यही सेवा है, यही धर्म है, यही भक्ति है, और इसी को निभाना है, इसी को करना है, और कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर इंसान इंसान से प्रेम करने लग गया तो याद रखना, इंसान स्वर्ग को धरती पर उतार सकता है और अपने जीवन को मंगल में बना सकता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जहां तहां लोगन डेरा कीन्हा, भरत सो दुसग ही कर लीन्हा। सबका खबर लिया, सबका हाल चाल लिया, ये भी पूछना पड़ा, भाई पैदल चले हो, थक गए हो, बुखार उखार आया हो, पैरासीटामॉल गोली भी भरत के पास थी, वो भी दे देते थे। हाँ, ये भी रखना चाहिए अपने साथ, घर में थोड़ी दवाएं रख लो, खांसी की दवा, बुखार की दवा, जुखाम की दवा, डायरिया की दवा, पेट में कब्जियत है तो उसकी दवा, बस बदन में दर्द है वो दवा, ये चार छह दवाएं रखो पेटेंट, फट से ले लिया आधी गोली, क्या फर्क है। अब बहुत हाई पावर की दवा मत लो, 650 mg यदि पैरासीटामॉल है, डोलो टेबलेट आधी ले लो, 325 mg हो गई, आधी ही खाओ, डॉक्टर तो बता देगा ये गोली पूरी खा लो, लेकिन इतना गर्मी करेगी गला मुंह सूख जाएगा। और जब इंग्लिश दवा लो तो 24 घंटे में एक बार दूध भी लो, एक गिलास दूध, दवा की गर्मी को दूध ही मार सकता है और कोई नहीं, इसलिए दूध भी ले लो। और हमेशा आपकी प्रसन्नता रहनी चाहिए। फिर सूर्य सेवा करी आज्ञा पाई, गए मां तो पही दोनों भाई। सुर सेवा, सुर किसे कहते? देवता, जो भी भरत जी के कुल देवता थे उनकी सेवा किया, थोड़ा पूजा किया, उसके बाद राम जी ने उनको सपना दिया कि भरत सबको सुलाकर सोना और माताओं के चरण दबाया जाकर, कौशल्या के चरण दबाया। देखो ध्यान रखना पड़ता है, भरत की सगी माँ कैकेयी है लेकिन कौशल्या के पहले चरण दबाया, राम की सगी माँ कौशल्या है लेकिन राम पहले जाकर के कैकेयी से मिलते हैं, ताकि मन में भेद ना हो जाए, इसलिए जो थोड़ा दूर का है उससे पहले मिल, जो अपना है सेकंड नंबर पर उससे मिल, नहीं उसके मन में भेद हो जाएगा, वो सोचेगा कि अरे अपनी माँ से देखो मिला पांव छुआ हमारे पास बाद को आया है, पहले उन्हें मिल लो। बैलेंस बनाना सीखो, परिवारों में बंटवारे क्यों होते हैं? इसी कारण होते हैं। आप बाहर से कुछ लाइए मार्केट से, तीन भाई हो तो तीन जगह 250-250 ग्राम मीठा लाइए, पहले छोटी वाली जो छोटा भाई है उसकी पत्नी तक पहुंचा दो, फिर सेकंड नंबर वाले बात को अपनी पत्नी को दे दो, नहीं तो क्या उसके भेद हो जाएगा कि अपनी पत्नी को पहले दे दिया और मेरी पत्नी को बाद को दिया। अपने बच्चों को बाद को दो, पहले भाई के बच्चों को दे दो। अगर परिवार को जोड़कर चलाना है तो सीतापुर जिले में एक सज्जन कह रहे थे, मेरी वाइफ और मैं इतना ढंग से परिवार चलाया, जो भी कपड़ा होता है सबसे पहले हमारी वाइफ जो है अपनी देवरानियों को दे देती है, उसके बाद जो शेष बचता वो ले लेती है, और मैं भी अपने भाइयों को पहले चांस देता हूँ कि आप ले लो, तभी इस परिवार को चला पाया हूँ। ऐसी गरीबी थी, हमारे पिता मजदूरी करते थे, भूखों मरते थे, आज इस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हम हैं, क्योंकि जहां सुमत है वहीं संपत रहती है, जहां आपस में प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी निवास करती है। तुम्हें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पति पत्नी प्रेम से रहो तो सब धन दौलत भी हो जाएगी, गुरु शिष्य प्रेम से रहो बहुत धनवान हो जाओगे, बाप बेटे प्रेम से आपस में रहो देखो धन किधर से बरसता है, मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगा,
देवरानी जेठानी प्रेम से रहो, घर में कोई कमी नहीं रहेगी। इतने घर बन जाएंगे, घर में सोने वाला कम हो जाएगा। प्रेम से तो रहो, थोड़ी थोड़ी बात के लिए, थोड़े थोड़े कार्यों के लिए आपस में राग द्वेष करना, ईर्ष्या करना, एक दूसरे की निंदा बुराई करना, झगड़ा लड़ाई करना, तनाव करना, तकरार करना, गाली गलौज करना, तूतू मेमे करना, छोटी छोटी बेईमानी करना, चालाकी करना गलत बात है। ईमानदारी रखो, ईमानदारी स्वयं एक धन है, ये छोटा मोटा धन नहीं है। आज तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके पास में ज्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सबसे उच्च पद पर वो बैठा हुआ है। और जिन नेताओं ने बहुत पर्सनल प्रॉपर्टी बनाई है, उनका पद डगमगाता रहता है, उनको लोग चांस पकड़ ढकेल के बाहर भी करते हैं। और जिस नेता के पास संयम नियम भी होता है, कहीं मोहित नहीं होता, कहीं फंसता नहीं, कहीं लसता नहीं, कहीं धसता नहीं, वो नेता अपने पद पर बिल्कुल स्थायी बना रहता है। और जहां इधर उधर तुम डगमगाए, दो चीजें बहुत खतरनाक जिंदगी में है सबके लिए, चाहे जो कोई हो, रुपया और रूप। रुपया देखकर लोभ आ जाता है और रूप देखकर मन में मोह आ जाता है। और ये दो चीजों से बच गया जो, वो बहुत ऊंचाई को छू लेगा। रुपया में लोभ नहीं आना चाहिए। इतना रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, इतना मिलेगा बांटो तो भी नहीं कम होगा। और आप लोगों की उपस्थिति को देख करके उनकी थकान उतर गई है, नरेश के चेहरे पे मुस्कान आ गई है, और नूरा और लक्ष्मण के मुखमंडल पे चमक आ गई है। और जितने ये मुख्य कार्यकर्ता हैं सब बड़े गदगद हैं, और सभी कर्मठ हैं। और याद रखना, गुरु आपको जान पाए न जान पाए, लेकिन तुम्हारी सेवा का फल, गुरु का आशीर्वाद सीधे आपके भाग्य के खाते में पहुंचेगा और आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जो सेवा करता है, चाहे वो गुप्त सेवा हो, लेकिन उसको उसका पुण्य मिलता ही है। किसी ट्रेन में एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो सबके सामने कटोरा लेकर जाता था, अंधा भिखारी था, दिखता नहीं था। ट्रेन के डिब्बे की ऊपरी बर्थ पर एक आदमी लेटा हुआ था, उसने 100 का नोट निकाल करके उस भिखारी को दिया, तो उसका हाथ वहां कटोरे तक पहुंच नहीं रहा था, तो नीचे बैठे हुए दूसरे पैसेंजर ने उस नोट को लेकर उस भिखारी के कटोरे में 100 का नोट डाला और कहा, बाबा 100 रुपये हैं, संभाल लेना। तो अंधा भिखारी बोला कि जिसने मेरे कटोरे में 100 रुपये डाले हैं, उसको भगवान आशीर्वाद दें और मेरी दुआएं उसको मिले। पड़ोस में बैठे हुए अन्य पैसेंजर हंसने लगे, बोले, नोट तो उसका खर्च हुआ, डालने वाला तो बीच में लेकर डाल दिया, आशीर्वाद इसको मिला। अंधे बाबा, तुमको दिखता नहीं है, आशीर्वाद इसको दे रहे हो। तो अंधे ने भिखारी ने कहा, मैं अंधा हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, वो सीधे वहीं जाएगा जिसकी जेब से नोट निकल कर आया है, बीच में रुकने वाला नहीं। तो जिसने जिसने सेवा किया है, तन से मन से धन से अन्न से परिश्रम से, पोस्टर पंपलेट वितरण किए हैं, न्योता बांटा है, प्रचार प्रसार किया है, साफ सफाई किया है, इस ग्राउंड को प्लेन किया है, उनको सबको इस सत्संग समागम के पुण्य प्राप्त होंगे और उनको गुरु जी का आशीर्वाद ढूंढ कर मिलेगा। क्योंकि आपको पता ना हो और कोई आपको रजाई बढ़ा दे, तो भी आपको गर्मी रजाई की मिलेगी, ठंडी से बच जाएंगे। तो ऐसे ही आप जान नहीं पाओगे आपके कर्म का फल, सेवा का फल, आशीर्वाद जरूर आएगा। और सत्संग ही आपको मानव से महामानव बना सकता है, और सत्संग ही आपको शांति प्रदान कर सकता है। दुनिया में और शांति का कोई रास्ता नहीं है। जब भरत जी ने सबका शोध ले लिया और
शत्रुघ्न से कहा कि माताओं की रक्षा में तुम रहो। तो माताओं के पास में शत्रुघ्न की ड्यूटी कर दी। दूसरों की भी ड्यूटी लगाना सीखो, और तुम्हारी टीम में अगर कोई अधिक बुद्धिमान है वो आपकी ड्यूटी लगाता है तो उस ड्यूटी को करना भी सीखो। वहां से इधर उधर गायब मत हुआ। शत्रुघ्न माताओं की रक्षा में है। निषाद को इशारे से बुलाते हैं, भरत जी हाथ में हाथ डालकर कहते हैं, आओ मेरे सखा, अब वो स्थान दिखाओ जहाँ भगवान प्रभु रात को सोए थे, उस जगह को देखना चाहता हूँ। सिंसपा नाम के वृक्ष के नीचे लेकर के निषाद राज भरत जी को जाते हैं और कहते हैं, इसी वृक्ष के नीचे प्रभु सोए थे, भरत के आंसू आ गए। दोहा है, मैं गा देता हूं, मानस का दोहा बहुत अच्छा है। जहां सिंसुपा पुनीत तरु रघुबर किय विश्राम, तहां पुनीत पावन भरत कीन्हो दंड प्रणाम। उस वृक्ष को भरत जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। आपने सुना होगा कि महबूब की हर चीज महबूब होती है, और पूज्य गुरुदेव की हर चीज भी पूज्य होती है। शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं स्कंद पुराण में, पादुका आसन सय्याद गुरुड़ यद विष्टतम नमस्कुरुभि तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्पृशेत क्वचित। गुरुदेव की पादुका में पैर नहीं छुआना चाहिए, गुरुदेव के आसन बिस्तर को पैर से नहीं छूना चाहिए। पादुका आसन सय्याद गुरुड़ा यद विष्टतम, जितने उनके अभिष्ट वस्तुएं हैं जो केवल वही यूज करते हैं उसमें लात नहीं मारना चाहिए। अभिष्टतम नमस्कुरुभि तत्सर्वम, उन समस्त वस्तुओं को भी नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। नमस्कुरुभि तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्पृशेत क्वचित, और गुरु के पैर में भी अपना पैर नहीं लगाना चाहिए, ये सावधानी रखना चाहिए। कितने लोगों की विवेक नहीं है तो गुरु को भी धक्का मार कर निकल जाते हैं, अरे देख लो थोड़ा रुक जाओ साइड से निकलो, विवेक नहीं है पीछे से गुरु के पैर पर पैर रख देते हैं। नहीं नहीं, भक्ति विवेक पूर्ण होनी चाहिए। गुरु के पैर में पैर नहीं छुआना है, गुरु के पादुका में भी पैर नहीं छुआना है, अब गुरु के धक्का नहीं मारना। इधर ध्यान दो, कहीं कम जगह है वहां निकलो मत, थोड़ा रुको। किसी माता बहन को भी धक्का नहीं मारना चाहिए।